फ्रेंड्स स्पोर्ट्स में कोई लूजर नहीं होता स्पोर्ट्स में सिर्फ वीनर्स और लर्नर्स होते हैं स्पोर्ट्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल है स्पिरिट यूनिवर्सल है स्पोर्ट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है रिकॉर्ड्स कोई भी तोड़े पूरी दुनिया उसका स्वागत करती है स्पोर्ट्स हमारे वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के भाव को भी सशक्त करता है इसलिए हमारी सरकार हर स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया विंटर गेम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन और जल्द आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसके उदाहरण है हम भारत में खेलों के विकास के लिए इंक्लूसिविटी और डायवर्सिटी पर भी लगातार फोकस कर रहे हैं फ्रेंड्स स्पोर्ट्स को लेकर भारत के इसी फोकस के कारण आज भारत इंटरनेशनल इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन कर रहा है पिछले ओलंपिक्स में कई भारतीय एथलीट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया हाल में संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी है उससे पहले हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हमारे यंग एथलीट ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं ये भारत में बदलते और तेजी से विकसित होते स्पोर्ट्स लैंडस्केप का संकेत है साथियों बीते वर्षों में भारत ने हर प्रकार के ग्लोबल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के अपने सामर्थ्य को साबित किया है हमने हाल ही में चेस ओलंपियाड का आयोजन किया जिसमें विश्व के 186 देश शामिल हुए हमने फुटबॉल अंडर 17, विमेन्स वर्ल्ड कप मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और शूटिंग वर्ल्ड कप की भी मेजबानी की भारत हर वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में से एक का भी आयोजन करता है इस समय भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है उत्साह के इस माहौल में सभी लोग ये सुनकर भी खुश हैं कि आईओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की सिफारिश की है हमें उम्मीद है इस बारे में जल्द ही हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगा